माफी मांगने से क्या फायदा? हर काम समय पर होता है, ये तुम कब जानोगे? समय पर रोटी अगर चूल्हे पर से न उतारी जाए तो वो जल जाती है। समय पर बीज न बोया जाए तो फसल नहीं उगती। समय पर घोड़े की लगाम नहीं खींची जाए तो वो दिशाहीन दौड़ता चला जाता है। उसी प्रकार यदि समय पर अन्याय करने वाले को रोका नहीं जाए, सिर्फ दर्शक बनकर ही अपना कर्तव्य समझा, तो समझो पछतावे की बारी आ गई है। माफी मांगने से अपराध की तीव्रता कम नहीं होती। माफी मांगने से हमें सिर्फ अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन गलती के जो दुष्परिणाम हैं, उसका क्या होगा? उस दुष्परिणाम को भुगतना तो पड़ेगा ही, उसे वो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि अन्याय करने वाला जितना दोषी है, उससे कहीं ज्यादा वो दोषी है जो अन्याय को सहता है। वो दोषी है जो दर्शक बनकर अन्याय होते हुए देखता है, और जब दोष है तो उसका दुष्परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। सबका मालिक एक।